हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे अजीब अंडों के बारे में, टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग एग इन द वर्ल्ड। ये अंडे किस जानवर के हैं और कौन से कलर के हैं, तो चलिए जानते हैं। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। दोस्तों, अक्सर हमारे हर दिन के खाने में अंडे का बहुत महत्व होता है। ज्यादातर हम जो अंडे खाते हैं वो मुर्गी के अंडे होते हैं और सफेद रंग के होते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके अंडे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, और ये अंडे दिखने में काफी अजीब लगते हैं, जिसे शायद ही आप कभी देख पाएंगे। तो चलिए इन अंडों के बारे में जानते हैं और ये कौन से जानवर के हैं। नंबर 13, सी हॉर्सेस। दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनमें से सिर्फ मादा ही अंडे या फिर बच्चे पैदा करती है, लेकिन सी हॉर्स के लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं। मेल सी हॉर्स जन्म के समय ही पाउच लेकर पैदा होते हैं और अंडे देते वक्त मादा सी हॉर्स उस पाउच में 1000 से लेकर 1500 तक अंडे देती है। नर सी हॉर्स लगभग 1 महीने उस अंडे की देखभाल करते हैं जब तक अंडे से बच्चे ना निकले। बच्चा निकलने के बाद वो बच्चों को पानी में छोड़ देते। नंबर 12, बी मधुमक्खी। लगभग दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। इस जीव के बारे में आपको काफी कुछ पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी का जन्म कैसे होता है? इसके छत्ते में एक साथ काफी सारी मधुमक्खियां रहती हैं, पर उनमें से सिर्फ एक ही रानी मधुमक्खी अंडे देती है, और छेद में बैठकर रानी मधुमक्खी सफेद रंग का अंडा देती है जो दिखने में किसी कीड़े की लार्वा की तरह दिखाई देते हैं। ये अंडे काफी तेजी से बढ़ते हैं और लगभग 20 दिन के बाद वो एक मधुमक्खी का रूप ले लेते हैं। नंबर 11, एमू। शुतुरमुर्ग की तरह दिखने वाले इस पक्षी को ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। इसका एक अंडा मुर्गी के अंडे से लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। ये डार्क ग्रीन रंग का अंडा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसके अंडे की काफी सारी रेसिपी बनती है जो वहाँ के लोकल लोग काफी पसंद करते हैं, पर इस अंडे की खोल बहुत ज्यादा मजबूत होती है और इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। नंबर 10, ऑक्टोपस। मादा ऑक्टोपस अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार अंडे देती है। अंडे देने से पहले वो समुद्र में एक सुरक्षित जगह को चुनती है और वहाँ इस साथ करीब 80,000 अंडे देती है। इसके अंडे दिखने में किसी अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं। अंडे देने के बाद मादा ऑक्टोपस उसके पास ही रहती है और उसकी रक्षा करती है जब तक अंडों से बच्चे ना निकले। तब तक मादा ऑक्टोपस बिना कुछ खाए पिए वहीं बैठी रहती है। करीब 10 महीने के बाद अंडे से बच्चे निकलने लगते हैं और उतना समय कुछ भी ना खाने की वजह से मादा ऑक्टोपस मर जाती है। नंबर 9, पैसिफिक व्हाइट स्केट। स्केट मछली दिखने में किसी छोटे आकार के स्टेरिंग जैसे होते हैं और इनके अंडे दिखने में काफी ज्यादा अलग होते हैं। ये जो काले रंग का मास्क जैसा चीज है, यही है स्केट मछली का अंडा। ये समुद्र की गहराइयों में ठंडे पानी में अपने अंडे देते हैं। ये जो पाउच जैसा चीज है, ये अंडे की सुरक्षा करता है। हैरानी की बात तो ये है कि सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में पाए जाने वाला स्केट के अंडे से बच्चा निकलने में करीब 4 साल का समय लगता है। नंबर 8, येलो हेड जेलीफिश। दुनिया में जितनी सारी मछलियाँ हैं सभी बच्चों की हिफाजत मादा मछली करती है, लेकिन ये मछली बिल्कुल अलग है। मादा मछली अंडे देने के बाद नर उस अंडे को अपने मुंह के अंदर छुपा कर रखते हैं जब तक कि उसके अंडे से बच्चे बाहर ना निकल जाएं। कभी कभी वो अंडों को मुंह से बाहर निकाल लाते हैं ताकि बच्चे सांस ले सके। करीब 9 से 10 दिन मुंह के अंदर रखने के बाद उनमें से बच्चा निकलने लगता है। नंबर 7, टिनमो। हो सकता है कि आप इस पक्षी को पहली बार देख रहे हो। दुनिया के ज्यादातर लोग इस पक्षी के बारे में नहीं जानते हैं। ये पक्षी बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं और ये इंसानों से दूरी रहते हैं। इसका अंडा बिल्कुल अलग होता है। इसका अंडा बहुत चमकीले और रंग बिरंगे रंग का होता है। मादा अंडा देने के बाद वहाँ से चली जाती है और नर उस अंडे की सुरक्षा करता है। और इसके अंडे बहुत सारे रंग के होते हैं और इसके अंडे का आकार किसी मुर्गी के अंडे के जैसा होता है। नंबर 6, केसलियन। केसलियन कुछ कुछ केचुए की तरह दिखता है। इसकी करीब 10 प्रजातियाँ इस दुनिया में मौजूद है। वैसे तो ज्यादातर प्रजातियाँ बच्चे देते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियाँ ऐसी भी है जो कुछ अनोखे अंडे देती है। लेकिन इसका अंडा ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप अंडे के बाहर से बच्चों की ग्रोथ को देख सकते हैं, और ये बहुत अजीब दिखने वाला जानवर है जो मिट्टी के अंदर रहते हैं। नंबर 5, जायंट वाटर बग। दुनिया के लगभग हर छोटे झील या तालाबों में इसे देखने को मिलता है। गर्मियों के मौसम में मादा बग अंडे देती है और नर बग उस सभी अंडों को अपनी पीठ पर चिपका लेता है और उसे सुरक्षित रखता है। मादा बग कम से कम एक बार में 150 अंडे दे सकती है। करीब 2 हफ्ते बाद उस अंडे से बेबी बग निकलने लगता है। नंबर 4, नाभड़ व्हेल। आमतौर पर उत्तरी अटलांटिक में पाए जाने वाला समुद्री घीघा अजीब तरीके से अंडे देते हैं। ये घीघा एक साथ लगभग 100 अंडे दे सकते हैं और इसके सभी अंडे आपस में जेलीफिश की तरह जुड़े होते हैं और करीब 3 से 6 महीने के बाद उससे छोटे छोटे बेबी वेल्क निकलने लगते हैं। इसके एक अंडे से करीब 25 बेबी वेल्क का जन्म होता है। इसके अंडे के साथ चिपके रहते हैं जो एक
एक फुट के करीब लंबे होते हैं। नंबर 3 हॉर्न शार्क। शार्क का नाम सुनते ही हमें बड़े बड़े शार्क की याद आती है, लेकिन हॉर्न शार्क इससे बिल्कुल अलग है और सबसे अजीब है। इसके अंडे वैसे तो शार्क का 70% प्रजाति बच्चे देती है और 30% प्रजाति अंडे देती है। हॉर्न शार्क के अंडे दिखने में किसी अंडे की तरह नहीं होते हैं। इसके अंडे दिखने में किसी स्पाइरल और समुद्री ओस्टर की तरह होते हैं। इसके अंडे की बाहरी सेल काफी मजबूत होती है, ये बच्चों को बाहरी खतरों से बचाते हैं। हॉर्न शार्क अंडे देने के बाद उसे एक सुरक्षित स्थान पर छुपा देते हैं और करीब 10 महीने के बाद उससे बेबी शार्क निकलता है। नंबर 2 अमेरिकन रोबिन। अमेरिकन रोबिन नाम के ये पक्षी काफी चमकदार नीले रंग के अंडे देते हैं। आकार में ये एक छोटे साइज की मुर्गी के अंडे के जैसा होता है। इसके अंडे के नीले रंग के पीछे ब्लूवर्डीन नामक रंजक पदार्थ होता है जो मादा पक्षी अंडे देने के ऊपर डाल देती है। अंडे देने के बाद नर पक्षी इसका खास ख्याल रखता है और अंडों की सुरक्षा करता है। अंडे का नीला रंग इसे सूरज की अल्ट्रावायलेट से बचाता है। नंबर 1 ग्रीन लासविंग। ग्रीन लासविंग एक प्रकार का कीड़ा है, इसे ज्यादातर खेतों में देखने को मिलता है। इसका अंडा दिखने में काफी अजीब होता है। ये अपने अंडों की सुरक्षा करने के लिए उसे पेड़ों पर उल्टा लटका देते हैं। अंडे देने के वक्त ये हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे सफेद रंग के हो जाते हैं। लगभग 4 से 5 दिन के बाद उस अंडे से बच्चे निकलने लगते हैं। एक एडल्ट लासविंग एक साथ करीब 200 अंडे दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको इनमें से कौन से जानवर का अंडा ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।